सफाई कर्मियों ने अपनी एक दिवसीय भूख हड़ताल की, केंद्र को बंद रखा, शासन प्रशासन से अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। रीवा के कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई की बात कही। आंगनबाड़ी कर्मियों की प्रदेश व्यापी भूख हड़ताल आज रही। इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपने अपने केंद्र बंद रखे, उनका साफ तौर से कहना है। 35 से 40 साल हो गए हमें काम करते, आज तक हमें ये नहीं पता हम सरकारी कर्मचारी हैं या मजदूर। अभी तक सरकार यही नहीं तय कर पाई, इससे बड़ी बात क्या होगी। हम चाहते हैं सरकार हमारी समस्याओं को समझे, सुने और उचित निराकरण करे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उपकेंद्र की कार्यकर्ता, सहायिकाएं साफ तौर से कहती हैं, शासन अपने सारे काम हमसे करवाता है, हमारे सेंटर चाहे गांव में हो चाहे शहर में। शासन द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रमुख केंद्रों की तरह एकत्र करने का काम करते हैं। हम शासन की सारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, शासन द्वारा मांगी गई सारी जानकारी को जनता से एकत्र करके शासन तक पहुंचाते हैं। आज हमें काम करते 35 से 40 साल हो गए, इसके बाद भी ना पेंशन, ग्रेजुएटी, सेवानिवृत्त के बाद कोई सुविधा नहीं। शासन ने 2018 में हमारे मानदेय की वृद्धि की थी, उसके बाद सरकार ने कार्यकर्ता सहायिकाओं को केंद्र कार्यकर्ताओं के मानदेय में अनुचित कटौती कर ली। हम लोगों की मांग है हमारी राशि एरियर सहित हमको वापस की जाए, जिसके चलते आज हमने अपनी 26 सूत्री मांगों को लेकर एक मांग पत्र रीवा के कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। हम चाहते हैं सरकार हमें सरकारी कर्मचारी माने, कम से कम हमें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। फुल टाइम सर वर्कर हमको सरकार क्यों नहीं मानती, आखिर क्या दिक्कत है। इस तरीके की हमारी ऐसी छोटी छोटी मांगें हैं जिसे सरकार चाहे तो तुरंत पूरा कर सकती है, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए जिस तरीके से सरकार हमसे काम लेती है उसी तरीके से हमारी मांगों को माने। हमने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, हम आपको जरूर सुनाएंगे। हम आपको बता दें, कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की काम करते हुए लगभग 35 से 40 साल तक की उम्र इन्हीं केंद्रों में बीत गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। आज उनका कहना है कि अब हमें पेंशन तो मिलनी चाहिए, हमें आज तक ना ग्रेजुएटी मिली, ना पेंशन का कोई लाभ देने के लिए सरकार बात कर रही है, ना किसी तरीके की सुविधा। सबसे बड़ी बात है हम ये ही नहीं तय कर पा रही सरकार कि हम सरकारी कर्मचारी हैं या मजदूर हैं। सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, हमारी बात को माने। सुनिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या कुछ कह रही हैं। हमारी मांगे ये है कि ये हमारी लंबित मांगे हैं, आज की नहीं है। ये आज हम 40 साल से आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमें कर्मचारी का या मजदूर का दर्जा नहीं दिया गया। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक जो है हमको न्यूनतम वेतन दिया जाए, और न्यूनतम वेतन भी आज के परिस्थिति के अनुसार 26,000 रुपये दिया जाए, और इसके साथ में जो रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन दी जाए। और मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी कि 1,00,000 रुपये और 75,000 रुपये रिटायरमेंट पे देंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को, तो ये महंगाई को देखते वो तो दिया नहीं उन्होंने, उस घोषणा को पूरा नहीं किया, उसको पूरा करें और ये महंगाई को देखते हुए 5,00,000 रुपये कार्यकर्ता को और 3,00,000 रुपये सहायिका को दें। और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को फुल टाइम वर्कर माना है सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने ग्रेजुएटी देने के भी आदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 3 महीने के अंदर ये ग्रेजुएटी नहीं दी जाती तो ब्याज सहित भुगतान करना होगा, 10% ब्याज सहित भुगतान करना होगा। तो लेकिन हमारे राज्य की सरकारें जो है उसको मान ही नहीं रही हैं, तो ये हमारा है कि उसको ग्रेजुएटी, अब रिटायर हो गए लोग, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ तो कम से कम ग्रेजुएटी का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया है तो वो तो उसको तो पूरा करो। और इसके साथ हमारी बहुत सी 26 सूत्री मांगे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या? मांग पूरी नहीं होती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। क्या सुन रहा हूँ? किशोरी वर्मा, राज्य महासचिव आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन।